एक डाइस सिर्फ अभी तक डिस्प्ले हुई है ना, मैं चाहता हूं कि ये दो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, रो की फॉर्म में दो डिस्प्ले हो जाए, एक पे नंबर और आ जाए, दूसरे पे नंबर, यानी किसी और काम के लिए यूज करना है उसको किसी और, यानी हम बेसिकली चार प्लेयर्स के लिए खेलेंगे ना, हर प्लेयर को एक स्पेसिफाई कर देंगे, तो मैं दो से काम आपको सिखा दे, दोनों डाइस अलग अलग रोल होंगी, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या करना है जी, हमें एक वेरिएबल और चाहिए, नम टू को भी हम असाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अलग अलग रोल होना है, दूसरी ने अलग रोल होना है। अब मसला ये है कि इसके इंटरफेस को कैसे सेट करें, दो कंटेनर करूंगा तो यहां पे तो मैं एक बटन रिटर्न कर रहा हूं, तो मुझे इस विजेट को कन्वर्ट करना होगा रो के अंदर, ताकि एक रो में आ जाए पहले ये, ठीक है। अब यहां पे मैं करता हूं Alt Enter और ये मैंने रो में कन्वर्ट किए, ठीक है, रो में कन्वर्ट करने के बाद इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, ये शॉर्टकट्स बता रहा हूं। आप हैं टेक्स्ट बटन के अंदर रो, नहीं टेक्स्ट बटन के अंदर रो नहीं अच्छी लगेगी, वो तो वो बटन के अंदर रहेगी ना रो। अच्छा, इसको कंट्रोल एस करें और इसको रन करें, स्क्रीन जरा जूम कम करें और देखें इसमें क्या। अच्छा, अब ये देखें जी, जैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं फिर तो ठीक है, यानी अगर वेब के ऊपर इसको दिखाएंगे फिर तो ठीक नजर आएगा, लेकिन जैसे ही इसको करेंगे तो गलत हो गया काम। हमें इससे बचना है कि जैसे ही स्क्रीन बड़ी हो तो वो फ्लेक्सिबल विजेट को ऐसा ढूंढना है जो कि हमारे लिए ये काम करे, तो उसके लिए काफी ज्यादा विजेट है, उसमें से एक हम यूज करेंगे। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, Alt Enter प्रेस करते हैं और यहाँ लिस्ट में तो मौजूद नहीं है वो, तो यहाँ पे एक उसने ऑप्शन दिया कि कोई भी विजेट यूज करना है तो फिर इसको क्लिक कर दें, रैप विद विजेट, तो इस विजेट का नाम मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडेड। वैसे इंकवेल भी है, जेस्चर डिटेक्टर भी है, एक्सपेंडेड भी है, मैंने एक्सपेंडेड यूज किया और ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर भी Alt Enter प्रेस करके, अब नहीं हो रहा, Alt Enter प्रेस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये देखें एक रेक्टेंगल सी बन गई उसके ऊपर, तो इसको हमने यहां से रिलीज करने के लिए माउस को ये स्केप बटन दबाया और यहां पे Alt Enter दोबारा किया, रैप विद विजेट किया और यहां पे लिख देते हैं एक्सपेंडेड। अब इसको जरा कंट्रोल एस करते हैं, अब ये देखें अब जैसे जैसे स्क्रीन को आप जी दोनों सेम साइज के, जितना जितना साइज उसका रखेंगे आप, वो अभी हमने वेरिएबल नहीं ना चेंज किया, जैसे वेरिएबल चेंज करेंगे नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा आप इधर रख दें और यहां पे आ जाए जरा, और यहां पे हमारे पास दूसरे एक्सपेंडेड विजेट में हमने नम वन लिखा हुआ है, नम टू कर दें, ठीक है, यहां भी नम टू प्रिंट करवा दें और यहां भी नम टू उसका डिस्प्ले करवा दें, कंट्रोल एस कर दें, अब आप चाहते हैं कि जी अपना ये जो है ये जैसे इस पे क्लिक करूं तो ये डाइस ऐप के सामने यहां पे डिस्प्ले हो जाए नंबर जो है 1 2 3 4, तो उसके लिए आपको डाइस ऐप के अंदर क्या करना पड़ेगा, कोडिंग के साथ इफ एल्स के साथ 1 2 3 स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा। अगर डाइस 1 है तो वो 1 वहां पे डिस्प्ले करवाए, 2 है तो 2 डिस्प्ले करवाए, 3 है तो 3 डिस्प्ले करवाए। अब मैं चाहता हूं ये दोनों के अंदर देखें, ये बाहर आ रही है और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि यहां पे इन दोनों का टोटल डिस्प्ले हो, दोनों चेंज हो, यानी जैसी चेंज हुई है ये 2 और 3 है तो यहां पे आ जाइए टोटल 5। तो ये हमारे पास रो में है तो हम इसको पहले कॉलम में ऐड करेंगे, उसके ऊपर रो लगाएंगे, तो ये अब सारे काम करने हैं अब आपने, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल आप ये बनाए और असाइनमेंट के अंदर आपको फिर टफ सी असाइनमेंट देते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं।